अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब टेक्निक और रहमान ऑनलाइन चैनल में मैं सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको एक डीसी फैन को एसी पर कैसे चलाते हैं वो बताने वाले हैं। इसको हम एसी पर डायरेक्ट कैसे चला सकते हैं वो भी 12 वोल्ट अडाप्टर के बगैर हम बहुत आसानी के साथ इसको एसी पर चला सकते हैं। बहुत आसानी के साथ आप इसको 12 वोल्ट की बैटरी पर भी चला सकते हैं, लेकिन आप इसको डीसी फैन को एसी पर भी बहुत आसानी के साथ चला सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, आपको मुकम्मल फैन बनाकर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं गुजारिश है कि दोस्त मेरी वीडियो पर नहीं है तो मेरे चैनल टेक्निक और रहमान ऑनलाइन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्रेस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, हमें एक मोटर की जरूरत होगी और अडाप्टर की, पार की, पत्ती की और क्लम्प की। दोस्तों जैसे हमने पत्ती, क्लम्प और मोटर को अच्छे तरीके साथ टाइट कर लिया है, हमने इसको क्लम्प के साथ अच्छे तरीके साथ लगा लिया है। अब हम 12 वोल्ट अडाप्टर के कनेक्शन करने वाले हैं, जिसके बाद हमने इसको 12 वोल्ट पर चलाना है। ये हमारी डीसी एसी मोटर है, हमने इसको डीसी पर चलाकर आपको दिखाएंगे कि यह वाकई डीसी पर चल सकती है कि नहीं। दोस्तों जैसे हमने इसके पॉजिटिव वायर के ऊपर पॉजिटिव वायर को अडाप्टर के लगा दिया और नेगेटिव वायर के ऊपर नेगेटिव वायर को लगा दिया है। तो दोस्तों आप जैसे हमारे अडाप्टर पर अच्छे तरीके से मोटर वर्क कर रही है, अब हम इसके ऊपर पार को लगाएंगे। ये पार आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुकान से बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप जैसे आप देख सकते हैं हमने इसके मुकम्मल कनेक्शन कर लिए हैं और हमने इसके ऊपर पार भी लगा लिए हैं। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि हमारा फैन बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों से गुजारिश है कि दोस्त मेरी वीडियो को पूरा देखेगा और मेरे चैनल टेक्निक और रहमान ऑनलाइन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और प्रेस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।